नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार के कुडनी विधानसभा उपचुनाव में जदयू को करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां महागठबंधन के तरफ से आरजेडी ने अपनी सीटिंग सीट का त्याग कर जदयू को इस उपचुनावी मैदान में आगे बढ़ाया था। और जदयू की तरफ से तीन बार के एमएलए और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके मनोज कुशवाहा उपचुनावी मैदान में थे, तो वहीं सामने बीजेपी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता थे और कुडनी विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के पक्ष में गया, जहां बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को शिकस्त दी। लेकिन वहीं जहां एक तरफ अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है, जदयू बौखलाई हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी जमकर जदयू पर तंज कस रही है। और अब जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने भी अपनी पार्टी को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं और उन्होंने मनोज कुशवाहा को कुडनी में मिली करारी हार का दोषी भी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि कुशवाहा इमेज से काफ़ी प्रभाव पड़ा है और इस वजह से कहीं ना कहीं हम हार गए हैं। दरअसल कुडनी उपचुनाव में जदयू को मिली करारी हार से मची खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। अब जदयू के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह के बयान से सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि कुडनी में मिली हार की निश्चित तौर पर समीक्षा होनी चाहिए। अलग अलग जगहों से रिपोर्ट ली जा रही है। यही नहीं, वरिष्ठ नारायण ने जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि हाल के दिनों में मनोज कुशवाहा ने जनसंपर्क में अभाव रहा है। कुशवाहा के इमेज ने भी चुनाव को प्रभावित किया है। वशिष्ठ नारायण ने कहा कि जिन गांवों में जदयू के समर्थक हैं उनका भी वोट कुडनी उपचुनाव में नहीं मिला है, जिसकी समीक्षा होगी। साथ ही इस चुनाव में ताड़ी भी बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। ताड़ी समाज के लोगों ने भी जदयू को वोट नहीं दिया। वशिष्ठ नारायण के इस बयान ने महागठबंधन की चुनावी रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि कुडनी उपचुनाव हम लोग कुछ मार्जिन से हारे हैं, गोपालगंज उपचुनाव में भी हम लोग कम मार्जिन से हारे थे, देखना पड़ेगा कि कहां कमी रह गई है और चुनाव परिणाम की समीक्षा करनी होगी। दरअसल महागठबंधन को यह हार इसीलिए भी ज़्यादा छुप रही है क्योंकि बीजेपी ने कुशवाहा के गढ़ में जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को शिकस्त दे दी। कुडनी में महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी थी। जदयू से लेकर आरजेडी और सहयोगी दलों ने भी चुनाव प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने 3,645 वोटों से जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को शिकस्त दी है। कुडनी उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद जदयू के भीतर खींचतान लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस उपचुनाव को लेकर हर एक बूथ की समीक्षा करने का आदेश भी दे दिया है, जहां अब जदयू के दिग्गज नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने मनोज कुशवाहा पर भी सवाल खड़े किए और साथ ही साथ उन्होंने इस उपचुनाव को लेकर कई बड़ी बातें भी कह दी। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।